वेलकम बैक। राजकोट शहर ने ग्रीन सिटी बनावा महानगरपालिकाए वधु एक अभियान हाथ धर्यु छे, जेमा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन माटे वपराती डीजल बसों ने बंद इलेक्ट्रॉनिक बस नो उपयोग लेवानो निर्णय करायो छे, जेमा दिल्ली थी एक बस हाल राजकोट आवी पहुंची छे। इलेक्ट्रिक बस ने एक सप्ताह सुधी राजकोट शहर ना बीआरटीएस रूट तेमज राजमार्गो पर फेरवामां आवशे अने त्यारबाद जरूर जणाशे तो एजेंसी से सूचनो मोकलवामां आवशे। तमाम फेसिबिलिटी चेक कर्या बाद आ महिनाना अंते वधु 49 बस राजकोट मनपा खरीदी करशे। आ अभियान में 150 इलेक्ट्रिक बस उपयोग में लेवानुं नक्की करायुं छे। हाल राजकोट में 90 सिटी बस ज्यारे के 10 बीआरटीएस बस डीजल एंजीन थी कार्यरत छे। भावनगर शहर में छेल्ला 14 वर्षथी रिंग रोड नुं काम अटवायेलुं पड्युं छे। वर्ष 2015 पछी 57 किलोमीटर रिंग रोड में मात्र 3 किलोमीटर नुं ज काम पूर्ण थयुं छे। 14 वर्ष पूर्वे रिंग रोड माटे 12-15 करोड़ खर्चनो अंदाज मुकायो हतो। आ रिंग रोड कॉर्पोरेशन, आरएनबी, बाड़ा, नेशनल हाईवे, एनएचएआई, गुजरात मेरीटाइम बोर्ड और जिला पंचायत की हद में पसार थाय छे। अगाउ रिंग रोड माटे प्रथम बाड़ा ने नोडल एजेंसी तरीके काम सौंपायु हतु। त्यारबाद वर्ष 2015 थी नोडल एजेंसी तरीके आरएनबी ने काम सौंपायु हतु। वर्ष 2015 थी शुरू थता 57 किलोमीटर रिंग रोड पैकी फेज 1 में मात्र 3 किलोमीटर रोड बनी शक्यो छे। रिंग रोड की कामगिरी बाड़ा हस्तक थी। शहरीजनों पर आ रिंग रोड क्यारे बनशे तेनी राह जोई रह्या छे। पोरबंदर छाया नगरपालिकाना सभाखंड खाते पालिकानी खास सामान्य सभा मळी हती। आ बैठक में कारोबारी कमिटी, टाउन प्लानिंग, सेनिटेशन सहित नी 12 जेटली विविध कमिटीना चेरमेन अने सभ्योना नामनी जाहेरात करवामां आवी। कारोबारी कमिटीना चेरमेन शैलेश जोशी द्वारा तमाम कमिटीना चेरमेन अने सभ्योना नामनी जाहेरात करवामां आवी। जामनगर महानगरपालिका की स्टेडिंग कमिटी की बैठक मड़ी थी। आ बैठक में कुल 39 काम 578.97 लाख विविध कामों ने मंजूरी आप। जामनगर महानगरपालिका में स्टेडिंग कमिटी हॉल में स्टेडिंग चेरमेन मनीष कटारिया की अध्यक्षता में स्टेडिंग कमिटी की बैठक मड़ी थी। आ बैठक में 11 जटला सभ्य उपस्थित रहा था, जेम डेप्यूटी मेयर तपन परमा, डेप्यूटी कमिश्नर वस्तानी उपस्थिति रहा था। मासिक स्त्राव एक कुदरती प्रक्रिया छे। मासिक स्वच्छता व्यवस्थापन में जागृतिना अभावने कारणे तेने अपवित्र मानवामां आवे छे। आ समस्यानुं निराकरण लावा माटे नोएडाना एमईटी इंटरनेशनल स्कूलना विद्यार्थीओए प्रवासी कृति सामाजिक अभियान चलाव्युं छे, जेनो उद्देश छोकरा छोकरीओ बन्नेमां मासिक स्त्राव अंगे जागृति लावानो छे। सशक्तिकरण माटे साथे आवुं जोईए जेथी आपणी दीकरीओ तेनाथी मुक्ति मेळवी शके। आ अभियानमां जोडाओ अने मासिक धर्म स्वच्छता ने शाळाना अभ्यासक्रमनो एक भाग बनावा माटेनी अरजी पर हस्ताक्षर करो। आ पहल साथे जोडाओ अने periodofpride.com पर अपील करो अथवा शाळाना अभ्यासक्रममां मासिक स्वच्छता शिक्षणनो समावेश करवा 9999671283 पर मिस कॉल करो। हम क्यों चुप रहे और इसे छुपाते रहे? मासिक धर्म एक औरत के, एक स्त्री के सामाजिक गतिविधि ही तो है। We are Team Prabhakriti and Menstruation Matters. Every other problem is acknowledged by society as a problem and society makes an effort to work towards it. However, when we talk about menstruation, its very existence is not acknowledged by society. What are mere statistics and numbers for us are affecting women's life in a very, very real way every day. So we started Prabhakriti in an effort that no other girl from our generation will have to suffer any medical problems that might stem from the ignorance that comes from the taboos. Being a boy, I was bullied and teased a lot during the start of this initiative, and I knew that that was the problem that had to change. Once we went through with the initiative, once we conducted a variety of activities with different classes, a lot of boys showed up for volunteering, and the boys who were actually teasing me before, they actually signed up to be the head volunteers for Prabhakriti. One way we connected with the youth was through video games, but it's an educational experience because you're being rewarded with information. So in the game, you kill, you know, a certain number of crap monsters and you're rewarded with a hot water bottle. The school, of course, they gave us a platform. They allowed us to conduct activities with the students, and they allowed us to conduct activities with students as young as fourth graders. I think that I am really, really proud to be one of the founding members of the Prabhakriti, and especially being a boy. When people saw that even a boy was talking about this so freely, they became more and more motivated, and even they understood that this was not a topic to be ashamed of, and anyone could talk about this freely.